गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार सैनी जीपीसी धौलपुर में मैकेनिकल विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है 108, उसमें एक टॉपिक है 108। बेसिकली क्या है, वर्कशॉप है। तो उस वर्कशॉप में हमारा एक टॉपिक आता है वेल्डिंग, तो हम उस वेल्डिंग को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले वेल्डिंग होती क्या चीज़ है, वेल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, तो उसकी बात करते हैं। तो वेल्डिंग क्या चीज़ है, बेसिकली वेल्डिंग क्या है, जॉइनिंग ऑफ टू मटेरियल प्लेट। मान लो कोई भी दो प्लेट है, उनको जॉइन करना है। जैसे ये प्लेट है, इनको हमें जॉइन करना है। तो इन दो प्लेटों को, प्लेट नंबर एक और प्लेट नंबर दो, इन दो प्लेटों को वेल्डिंग की सहायता से आसानी से जोड़ा जा सकता है। अब जोड़ने के पश्चात नंबर एक और नंबर दो प्लेट को जोड़ दिया, तो ये दोनों प्लेट एक प्लेट के रूप में काम करेगी। मीन्स दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेटेड वन। मतलब इंटीग्रेटेड मतलब कि एक साथ एक रूप में काम करेगी। पहले दो अलग अलग प्लेट थी, प्लेट नंबर एक और प्लेट नंबर दो, इनको वेल्डिंग की सहायता से जोड़ने के पश्चात एक यह एक एकल प्लेट के रूप में काम करेगी। तो ये हो गई हमारी वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में हम मटेरियल कौन कौन से यूज़ लेते हैं, तो मटेरियल में सबसे पहले मेटल्स आते हैं, धातु और उसके अलॉय। धातु और उसके अलॉय, अलॉय मतलब धातु से मिलकर बनाई जाने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें अलॉय कहते हैं। तो जो प्लेट का मटेरियल क्या होगा, यहाँ पर हमने जोड़ा है, इसे जो मटेरियल प्लेट है उनको जोड़ा है, तो मटेरियल में क्या यूज लिया जाएगा हमारा, या तो धातु होगा या इसके अलॉय होंगे। तो इन्हें वेल्डिंग में और क्या क्या चीज़ यूज ली जाएगी, या तो हम हीट यूज लेंगे, ऊष्मा या प्रेशर, दबाव, या दोनों यूज लेंगे। मान लो मुझे नंबर एक और नंबर दो की वेल्डिंग करनी है, वेल्डिंग करनी है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ही मैं हीट का उपयोग करूँगा और इसी पॉइंट पर मैं प्रेशर का उपयोग करूँगा। क्या मैं दोनों चीज़ों का उपयोग करूँगा, अब हम बात करते हैं मेटल्स की, धातुओं की। धातुओं का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, धातुओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, फेरस नॉन फेरस। मतलब या तो धातु कौन से होंगे, या तो लोह धातु होंगे या अलोह धातु होंगे, या तो धातु होंगे या अलोह धातु होंगे। तो फेरस जो मेटल होते हैं उनमें क्या होगा, फेरस में मेटल में मतलब होगा कि उनमें कुछ न कुछ लोह के कंटेंट्स होंगे, फेरस के कंटेंट्स होंगे। उन फेरस के कंटेंट्स के आधार पर इन्हें कैसे कैसे बांटा गया है, जैसे रोट आयरन, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, कास्ट स्टील और स्टेनलेस स्टील। ये बेसिकली इनका क्लासिफिकेशन किया गया है लोह धातुओं का, फेरस मेटल का, वो कैसे किया गया है, इनकी कार्बन कंटेंट के आधार पर। सबसे शुद्ध जो लोहा होगा वो होगा हमारा रोट आयरन, सबसे शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेरस मटेरियल वो होगा रॉट आयरन। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम, 0.03% ये कार्बन कंटेंट है। उसके बाद कास्ट आयरन है जिसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा 2.3 से लेकर 4.5% तक कार्बन कंटेंट की मात्रा होती है। फिर उसके बाद कार्बन स्टील होता है, जैसे हमने नाम सुनते हैं, जैसे माइल्ड स्टील है, ऐसे ये नाम जो सुनते हैं वो माइल्ड स्टील, ये कार्बन कंटेंट के आधार पर डिसाइड होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे लोह के कंटेंट। एक और होता है मैनली स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील है वो कार्बन कंटेंट प्लस क्रोमियम कंटेंट, कहते हैं ना स्टेनलेस स्टील में जंग बहुत कम लगती है। तो ये स्टेनलेस स्टील है जिसमें कार्बन कंटेंट भी होता है और क्रोमियम ज़्यादा होता है, तो क्रोमियम के आधार पर हम स्टेनलेस स्टील को डिफाइन करते हैं। फिर दूसरा है नॉन फेरस अलॉय धातु।
एल हो धातु में क्या होगा हमारा कि जिसमें कार्बन कंटेंट नेग्लिजिबल होता है, जैसे एल्यूमिनियम उसके एलो, कॉपर है उसके एलो, निकल है, जिंक है और मैग्नीशियम, ये जिंक है और ये मैग्नीशियम, ठीक है। तो हम यूज करेंगे वेल्डिंग में तो मेटल यूज़ करेंगे। मेटल हमें पता होना चाहिए मेटल कैसे होते हैं, मेटल फेरस होते हैं नॉन फेरस होते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग की बात करेंगे, वेल्डिंग से क्या फ़ायदा होता है। वेल्डिंग से फ़ायदा होता है कि हमने दो यहाँ पर देखा, दो प्लेट थी एक और दो, उनको जोड़ के एक बना दिया, जो इनको जोड़ दिया और इसको एक बना दिया प्लेट नंबर तीन। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो एक और दो से ज़्यादा होगी, अर्थात जो स्ट्रोंगर देन बेस मेटल। बेस मेटल कौन से हुए, हमारे एक नंबर एंड दो नंबर हमारे बेस में मेटल हो गए, हमने जो बनाया क्या वो तीन नंबर का, तीन नंबर की जो स्ट्रेंथ होगी वो एक नंबर और दो नंबर से ज़्यादा होगी, तो स्ट्रोंगर देन बेस मेटल। फिर कॉस्टली नहीं होता, ज़्यादा महंगा नहीं होता, हम अपने हिसाब से फ्रीडम इन डिज़ाइन, हमने इस अपने हिसाब से जिस प्रकार का मटेरियल बना चाहते हैं उस प्रकार का मटेरियल बना सकते हैं, तो फ्रीडम इन डिज़ाइन। वेल्डिंग इक्विपमेंट इज़ ट्रांसपोर्टेबल, वेल्डिंग में जो जो इक्विपमेंट चाहिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। फिर लास्ट वाला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल कैन बी जॉइंट, मतलब प्लेट नंबर एक और दो जिनको हमें जोड़ना है, ये प्लेट नंबर एक ये प्लेट नंबर दो, वो सेम मटेरियल के हो सकते हैं या वो अलग अलग हो सकते हैं, तो इनको आपस में जॉइन किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें, तो हम जिस जॉइंट पर हम वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर एक खुरदरापन आ जाता है, हमें अलग से पता चल जाता है अभी यहाँ पर वेल्डिंग की गई, एक नंबर और दो, और साथ के साथ इसमें रेसिडुअल स्ट्रेस हो जाती, अलग से स्ट्रेस हो जाती है। वो स्ट्रेस क्यों आती है, क्योंकि हम हीट भी अप्लाई करते हैं, प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, इसलिए अलग से ही एक स्ट्रेस आ जाती है। कभी कभी वर्क पीस डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत मुड़ जाता है, ठीक है। वेल्डिंग करने के लिए हमें इसको अलग पकड़ना पड़ेगा, इसको अलग पकड़ना पड़ेगा, होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो वर्क पीस को होल्ड करती है, उसको पकड़ती है, उसे बोलते हैं हम जिग और फिक्सचर्स। जिग और फिक्सचर जैसे बाइस, बेंच बाइस या कुछ भी होता है ना, ये एक तरीके का जिग और फिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। इसके लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वेल्डिंग कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वेल्डिंग को कैसे कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिर लास्ट में मेटलर्जिकल चेंज, अर्थात जो इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है या जो अंदर का जो ग्रेन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, एटम्स होते हैं। कोई भी मेटल होगा वो एटम से मिलकर बना होगा, जो एटम्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक। ये इसके डिसएडवांटेज रहे, हालांकि डिसएडवांटेज की बजाय इसके एडवांटेज ज़्यादा प्रेफरेबल है, इसलिए हम वेल्डिंग को ज़्यादा यूज करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, सोर्स ऑफ हीट के आधार पर हम तीन प्रकार के टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की बात करेंगे, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और रेजिस्टेंट वेल्डिंग, ये हम अगले टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू सो मच।